कलाम आपके दरमियान शेयर करने वाले होंगे आपकी जोरदार तालियों में। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। बैठने से पहले जोरदार तालियां जिंदा कलाम के लिए हम इंतजार करते हैं 14 अगस्त। जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम तरतीब दिए जाते थे और बड़ा शौक जज्बा होता था कि हम अपने वतन की जो खुशी है उनके साथ जश्न आजादी मनाने वाले थे। आप सबको आज का जो 14 अगस्त है मुबारक हो, 16 अगस्त है, लेकिन यहाँ के माहौल के मुताबिक हमें छुट्टी मिलती है जुम्मे को और हम वतन से मोहब्बत करते हैं। ये एक बात तो है बहुत सी कि जो वतन हमें मिला हुआ है खुदा की तरफ से, उसमें बहुत सी ऐसी मुश्किलात परेशानियां हम बर्दाश्त करते हैं और हम इनके लिए ही पैदा हुए, क्योंकि अगर इन बातों को हम कहें कि ये ना हो तो हम मसीही नहीं। जो मसीही है उस पर जुल्म होना है, उस पर अजियत होनी है, उसको दुख सहना है, उसको मुसीबतों से गुजरना है और फिर जाकर उसने उस वतन को हासिल करना है जो खुदा की तरफ से उसको मिलना है। जैसे भाई असलम ने बहुत से हवाला जात आजादी के मुताबिक बताए और हम वाकई ही आजाद हैं, लेकिन आजादी का ये मतलब नहीं होगा कि हम खुदा के कलाम को भूल जाएं। आजादी हमें ये बताती है कि आप इसलिए आजाद किए गए हो कि आप और खुदा का रिश्ता कायम और दायम रहे। आप देखें कौम बनी इसराइल जो 400 साल गुलामी में जिंदगी गुजारती है, और जब गुलामी दो किस्म की थी, वो गुलाम थे और गुलाम ही वो चलते गए, उनके जो माँ बाप थे गुलाम, बच्चे गुलाम, बच्चों के बच्चे गुलाम, सब गुलाम ही थे, असीरी में जिंदगी गुजारते थे। और खुदा ने वो क्यों ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे, हम सब एक जो जिंदों का बाप, खुदा का दोस्त, खुदा का रास्तबाज गिना गया, उसकी स्टोरी को जानते हैं। कलामे मुकद्दस में एक छोटी सी आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे थोड़ा चलेंगे। पदाइश की किताब उसका 13 बाब उसकी 15 आयत है। पदाइश की किताब, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो देख रहा है, तू देख रहा है, जो तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। आमीन। जो हम मुल्क देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, ये खुदा ने आपको देना है, लेकिन खुदा के साथ चलने से, खुदा के साथ रहने से, खुदा के ताबिया रहने से। और रोमियो के खत में लिखा हुआ है, इसी तरह रोमियो के खत में 13वें बाब में है, शायद 1 आयत में लिखा हुआ है, आज हम जोशीले बनते हैं, बहुत जज्बा होता है हमारे अंदर। और यहां पर जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को तलीम दी, और ये वहां पर खुदा ने एक बंदा से अपना, जिसको दोस्त भी कहता है, रास्तबाज बंदा था,
उससे वादा किया कि मैं तुम्हें एक क्या करूंगा, मोहलत दूंगा, एक वतन दूंगा जहां पर तुमने जाके बसना है और रहना है। और वहां पर बहुत सी हुकूमतें थी, बहुत से लोग थे, वहां पर बहुत ज्यादा सूरमे थे और जंगजू लोग थे, वहां का मुकाबला वो नहीं कर सकता था। लेकिन खुदा ने जो कहता है सच्चाई से बात हो, जैसे भाई ने यूहन्ना की इंजील उसका 8:32 आयत में क्या फरमाया था, सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आजाद करेगी। जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, हमारी सच्चाई ये है, हम जुल्म देखते हैं, हम याद करते हैं और रुलाते हैं। खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि रोने वालों के साथ रो और हंसने वालों के साथ हंसो। खुदा का कलाम ये भी कहता है आज अगर हमारे बहन भाइयों पर, हमारे अजीजों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे मुल्क पर जुल्म हो रहा है, हम उनके लिए दर्द रखते हैं, हम उनके लिए बहुत दुख रखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो आजाद मुल्क हमारे एक मसीही बंदे के वसीला से बना, 14 अगस्त वाले दिन, अब पता है इसकी हिस्ट्री है, जब ये मुल्क बना उस वक्त एक ही बंदे ने वोट डाला तो ये मुल्क बना, ताकि हम यहाँ पर आजादी से जिंदगी बसर करें। अगर वो ना डालता फिर भी ये मुल्क बनना था, फिर भी ये मुल्क बनना था। हम उनको जितलाते हैं कि ये हमारे जो मसीही बंदे थे, बंदियां थी, आपकी साइड ली और ये मुल्क बना। लेकिन ये एक मुल्क बनने के लिए जदोजहद किसी ने तो की थी। लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आजम का नाम निकला और जिना का नाम निकला और उसको कहा गया, और उस वक्त ना टीवी होंगे, टीवी थे, फिल्में चलती थी, सब कुछ था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान रेडियो था, वहां पर अनाउंसमेंट हुई कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। वहां पर रेडियो पर ये अनाउंस हुई और ये पूरे मुल्क में इसका चर्चा फैलना शुरू हो। और उस वक्त जो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, उनको वक्त दिया गया था, जो यहां पर रहना चाहते हैं यहां पर रहे, जो भारत में या इंडिया में जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, वो वहां पर जाकर रहे। दो मुल्क बन गए, हम 14 अगस्त को बने, वो 15 अगस्त को बने, और दोनों के साथ इंसाफ हुआ। और क्योंकि वो जद्दोजहद कर रहे थे, वो खुदा पर ईमान रखते थे, लेकिन जिसको खुदा इज्जत दे, बरकत दे, उसी का नाम दुनिया में कायम और कायम रहता है। आज तक आप जानते हैं किसने पाकिस्तान बनाया? खुदा ने तो बनाया है, बानी था कायदे आजम, कितों आया कितों नहीं, लेकिन उसको इज्जत मिल गई, पढ़ा लिखा था, जानता था, वकील था, और खुदा ने उसको बरकत दे दी, क्योंकि बरकत खुदा की तरफ से है, हुकूमत खुदा की तरफ से है। रोमियो का खत मैंने आपको बोला था कि 13वां बाप निकालेंगे, उसकी दो आयतें पढ़ेंगे, या एक ही पढ़ दे, हर शख्स हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। आमीन आमीन। आला हुकूमतें हम जानते हैं, हम हुकूमतों पर गिला शिकवा करते हैं, हम उन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? बर्दाश्त कर, सबर कर। अगर आज हम सबर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो हम एक ऐसे मुल्क की उम्मीद रखे जो आप कभी भी सोचते नहीं। हम सोचते दुनियावी हैं, रूहानी सोच हमें यह बताती है कि आप यहां पर परदेसी और मुसाफर हैं। इस दुनिया में क्या है? हम परदेसी और मुसाफर हैं। जब तक भी हम यहां पर रहेंगे, हम परदेसी हैं, हमारा मुल्क कोई नहीं, हमारी सिटीजन कोई नहीं।
लेकिन जो खुदा के बेटे यस्सु पर ईमान रखते हैं उनके लिए खुदा ने आसमान पर एक वतन तैयार किया है। हम वतन के लिए जान देते थे और जान दी भी है और बहुत से लोगों ने दी है। हमें तो प्लेट में ये वतन मिला है और आज हम उसके लिए बातें करते हैं। हमारे ठीक है अजीजों पर, रिश्तेदारों पर आज वहां पर ब्लैक डे मनाया जा रहा है क्योंकि सानिया एक साल हो गया है ये जो जरा वाला था और इसमें हमारे मसीही खानदानों के घर चले, बहुत से नुकसान हुए। हम गरीब लोग हैं लेकिन खुदा कहता है, मैंने पहले एक बात कही थी, मसीही हैं तो हमें खुदा के कलाम को मानना है। यीशु मसीह ने एक दो बात कही थी, आज हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि मसीहों पर क्या होना है, जुल्म होना है। तो ये यीशु मसीह की पेशनगोईयां पूरी हो रही हैं। हम ऐसे ना करें, दावा ना करें यार साडे मसीहां नूं मार छड़िया, साडे अजीजां नूं मार छड़िया। इसमें भी कोई राज होगा, इसमें भी आपकी तरक्की होगी, इसमें भी आपकी बेहतरी होगी, इसमें भी आपके चाल चलन दुरुस्त करने के लिए होगा। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी क्या करता है, तौबा तक नौबत पहुंचाता है। अगर ईमान रखें कि हमें क्या करना है, जैसी भी हुकूमत है, कोई भी हुक्मरान है, जैसा भी मुल्क चल रहा है, जैसा वतन मिला है, हमें उसके लिए दुआ करनी है क्योंकि राष्ट्रवाद की दुआ से शहर मुल्क आबाद होते हैं और आपकी दुआ के वसीला से राष्ट्रवाद एक था। कौन था जिससे मैंने कलाम स्टार्ट किया, इब्राहिम राष्ट्रवादों का बाप ठहरा। उसकी कौम आगे जाके उन हवालों उस आयतों को पढ़ेगा तो कहता है अगर तू रेत के जर्रों को गिन सकता है जो गिन लेगा ऐसी बरकत ऐसी औलाद तुझे मिलेगी और तू बुलंदियों पर रहेगा। आज भी हम जानते हैं खुदा जिंदों का खुदा है। ये कैसे हमें मालूम है, वो उस वक्त बयान करता है जब हम कहते हैं ना हमारी फौजियां होती हैं, हमारे घरों पर जुल्म होता है, हमारे अजीज मर जाते हैं, तो हम मसीही जो हैं हमें ईमान रखना है कि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा था। खुदा क्या है, मुर्दों का खुदा नहीं, खुदा जिस जनाजे पर जाता था वो जिंदगी में बदल जाता था, उस बेवा का बेटा जिंदा हो गया, खुदा ने उस पर तरस खाया क्योंकि हमारा खुदावन जिंदगी बचने वाला खुदा है। वो सच्चाई से आपको वाकिफ करवाना चाहता है और सच्चाई आपको आजाद करनी है क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, क्योंकि खुदा ने क्या कहा है, दुआ करनी है। राष्ट्रपाल की दुआ से क्या होता है, शहर छोटा सा मुल्क भी आबाद हो जाते हैं। आप देखें इब्राहिम के मुल्क देने का वादा किया था और मिला कि नहीं मिला, मिला 100% मिला और उसमें जाकर और ऐसा मुल्क जिसको वो जानता भी नहीं था और खुदा ने कहा वहां पर कुछ जाएगा, वहां पर दूध और शहद की क्या है नहरें चलती होंगी, दुख दर्द नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं बैतुल खम रोटी का घर, खाने का घर, इत्मीनान का घर, तसल्ली का घर, बख्शिश का घर, आप वहां पर आजाद हैं। एक यहां पर आपको दुनियावी जिंदगी में वतन मिला, घर मिला, आपको इज्जत मिली, शोहरत मिली। अक्सर हम देखें ना अपने से छोटों को, उन लोगों को जो हमसे भी बुरे हालात में जिंदगी गुजार, हम तो बहुत ही अच्छे। अभी भी हम आ रहे थे रास्ते में तो मैं भाई कह रहे थे ये कौन है, मैं गया सिया बेमनार है, वो कंपनी की बसें आती है ना तो ऐसे जत्थे बैठकर जाते हैं, मैं ये सिया डे मारा, उसमें काले कपड़े भी डाले थे व्हाइट, मैं कहा 14 अगस्त वाले भी आया सिया भी आया। और हम भी आज 14 अगस्त वाले भी और सिया डे वाले भी। और खुदा कहता है
आप सिर्फ दुआ करें। दुआ से हालात बदलते हैं और ईमान से पहाड़ सरक जाते हैं। बस ईमान कितना रखना है कोई बता सकता है? वो किला बिल्कुल छोटा सा एक दाना है, बीज है, राई का दाना छोटा सा, इतना ईमान रहे ना बड़ा मान सम्मान वाला, इतना ईमान तो उसने कहा था हो तो नहीं सकता, लेकिन ईमान से पहाड़ को दुआ करेंगे। आप ईमान से दुआ करें, यीशु मसीह ने ईमान से एक जाल पर दुआ की थी मुर्दा जिंदा हो गई थी, और ईमान था यीशु का ईमान, इसलिए तो हम कहते हैं यीशु जैसा ईमान हमें चाहिए। वो ईमान से फिरा नहीं था, उसने शहर आबाद किए, मुल्क आबाद किए, लोगों को बताया कि तुम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर, मैं तुम्हारे लिए एक उमदा शहर तैयार कर रहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा पहले नंबर पे, क्योंकि यीशु नूर है और हम नूर पर ईमान रखते हैं, और नूर आपको हमेशा अच्छाई दिखाएगा। नूर में चलने वाले ठोकर नहीं खाते, नूर में चलने वाले क्या, अभी ये चारों लाइटें बंद कर दें, टोलना शुरू कर देंगे हम एक दूसरे को, इतने में अकील, इतने में भाई आजत, आप रोशनी में चलने वाले लोग, आप नूर के साथ चलने वाले लोग, आप शहरों को आबाद करने वाले लोग, आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो रास्तबाज हो जाते हैं, मुल्क आबाद करते हैं। आपको पता है ये रास्तबाज बंदे ने जब इसका माल बढ़ा, इसको बरकत मिली, इसका जो भतीजा था उसका भी माल बढ़ा, उसको भी बरकत मिली, और कैसी बरकत मिली, उसने कहा हमारे तुम्हारे दरमियान झगड़ा ना हो, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट चला जाऊंगा, अगर तू सीधा जाएगा तो मैं पीछे को चला जाऊंगा। ऐसी बातें उसने कही क्योंकि वो रास्तबाज था। वो देखे रास्तबाज की बरकत, वो रास्तबाज था और इसलिए उसने अपने भतीजे को बोला लूत को कि तू जिस तरफ जाएगा चला जा, और वो शहर तेरे जाने से आबाद रहेगा और बसता रहेगा। और ऐसा ही जब तक वो खुदा के साथ चलता रहा, आखिर तक चलता रहा, उस शहर में चला गया जहां पर बुराई थी, बदी बढ़ने लगी, और खुदा नीचे आ गया अपने बंदे को बरकत देने के लिए। कितने सालों के बाद आले ना औलाद ना कोई और, ऐसा मुल्क रेते जर्रे आसमान के सितारे, जो जो अनगिनत चीजा ने गिनती पर नहीं आती, सादे बाल भी कोई नहीं गिन सकता, शायद जी गूगल है दस हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है हमारा प्यारा खुदा यीशु मसीह। सच्चाई, सच्चाई क्या करती है, हमें सब कुछ बता देती है। अगर हम आला हुकूमतों के ताबिया हैं तो आपको सरफराजी मिलनी शुरू हो जाए। आप ये ना सोचें कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां पर सियाह डे भी मनाया जाता है, हमारे बेटे और बेटियों और बच्चियों पर जुल्म किया जाता है, जबरन उनको मजहब तब्दील करवाया जाता है, उनके साथ बुरा भला किया जाता है। बहुत सी ऐसी उस वतन में, उस मुल्क में ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम बदला नहीं लेने वाले। ठीक है, यीशु मसीह ने भी कहा था ना हक किसी से कुछ ना, यीशु मसीह की तरीम है अगर तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो क्या कर। लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब वो पकड़ा गया था तो एक यहूदी ने उसको तमाचा मार, और यीशु ने कहा मैंने अगर बुरा कहा है तो इस बुराई पर तू गवाही दे, तूने मुझे क्यों मारा है। हमें वो मारते हैं, हमें उसका सवाल करना पड़ेगा, अगर हमारे
हम भी बराबर के उस मुल्क के शहरी सिटीजन हैं, हम वहां पर रहते हैं, खुदा ने हमें वो मुल्क दिया है, हम ईमान रखते हैं, लेकिन नाहक जुल्म बर्दाश्त करना भी हमें इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन हमारे पास एक हथियार है, वो हथियार कोई बताए दुआ, जोरदार तालियां वर्षा पे, और दुआ और कलाम के वसीला से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, और बहुत से शहर आबाद होते हैं, लोग आबाद हो जाते हैं। हम भाई ने गलतियों की गलतियों में से पढ़ाया था, गलतियों पांच बाप निकाले, जरा उसकी पहली याद तो नहीं, अभी तेरहवीं याद पर चले जाते, उसके साथ गलतियों पांच बाप तेरा देखें जरा क्या। ए भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्या है, हम आजादी के लिए तो बुलाए तो गए हैं, क्या है, लेकिन मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। हम जिस्मानी बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और हमें नजर भी यही आती है, नहीं? आजादी ये नहीं, ठीक है वो जुल्म हो गया, वो सानिया हो गया, वो परेशानियां हो गई, अब हमें उनको खत्म करने के लिए खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चुना हुआ है, खुदा ने आपके साथ बातचीत की हुई है, और इसलिए खुदा कहता है वो आजादी बातों पर क्या है पढ़े सर, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की क्या करो, खिदमत करो। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो लिखा हुआ है, उन्होंने बुरा भला कहिए पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान इंज हो रहा है, हाड़े बसियां से जुलम हो रहा है, वो कहता है मोहब्बत से एक दूसरे की खिदमत करो, उन खिदमत वास्ते तुसी निकलो, ताकि वो आपकी खिदमत देखकर, आपका जज्बा देखकर, आपका हौसला देखकर, आपकी बर्दाश्त देखकर आपको कबूल करें और वो भी आप जैसे हो जाए। इसलिए तो पलूस कहता है मैं तो चाहता हूं ये जंजीरें जो मुझे जकड़े हुए हैं, इनके अलावा आज जो मेरा कलाम जो खुदा की तरफ से मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, ये सारे मुझी जैसे हो जाए, क्योंकि रास्तबाज हमेशा बरकत चाहते, दुख नहीं चाहते किसी को, किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि वो शहरों को आबाद करना चाहते हैं, मुल्कों को आबाद करना चाहते हैं। क्या है आगे बढ़, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से क्या कर, अपनी मानत मोहब्बत रखते हुए मोहब्बत ही आ गई है, लड़ाई चल रहा है, फिर है भी असी एक दूजे जोश दिलाने और साढ़े मसीह का तुसी इतने केक कटोगे, तुसी इतने 14 अगस्त मनाओगे, तुसी इतने ऐ करोगे, तुसी यो कर दे हो, उत्थे सानिया हो रहा, ठीक है ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना, इसकी वजह से क्योंकि हमारा यीशु इसलिए आया, वो यशाया में उसके बारे में ये पेशनगोई की थी कि वो सलामती और सुलह का शहजादा है, वो क्या है, सलामती और सुलह का शहजादा है, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसके वसीला से शहरों को बरकत देते हैं और मुल्कों को बरकत देते हैं और अपने घरानों को उसके पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि जब हम रास्तबाज बन जाएंगे तो हम इंसानियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत ताकत दिलेरी रखेंगे, हम क्या करेंगे बरकत के लिए दुआ करेंगे, सानिया वापस नहीं आना, मरा हुए भी वापस नहीं आने, जले हुए भी वापस नहीं आने, बल्कि हम सब ने उनके पास जाना है जो यहां से ऊपर चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो मुझ पर ईमान रखता है वो मरता नहीं बल्कि क्या है जिंदा है, वो जिंदा है, हम यहां पर भी जिंदा है, वहां पर भी जिंदा होंगे, और इसका सबूत यह है खुदा से सवाल किया गया था कि कैसे तू कहता है, वो
वो कहता मैं मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि वो इब्राहिम इजाक और यकूब का खुदा कहता है क्योंकि वो जिंदा है और उसके पास है। इसलिए वो कहता है तुम सब वो इंसान थे ना जिनको खुदा ने बरकत दी, वो उसके बेटे कहलाए, उनको रास्तबाज दोस्त बनाया, बरकत दी। यीशु आया भी ही इसलिए ना बरकत दिया, आया ही कि नहीं आया, किस तरह आया इधर सोहन इब्राहिम के पास सदर सदर सालम का बादशाह सदर तो लोग आए जब भी आए हो तो भी आए हो तो आपने तो भी तो वो ही आया अज नहीं आएगा और थोड़ा जो बर्दाश्त कर लीजिए शायद 100 साल बाद आ जाएगी करके बर्दाश्त कर लीजिए सोचिया करो बुरा ना सोचिया करो अच्छा सोचो वो सबर ना चलता रहा 99 साल तक चलता रहा आज असि 17 साल तक चलने हैं तो सबर करो हो सकता है और थोड़ी जी मुश्किल हो और थोड़ी जी परेशानी हो आएगा यीशु आएगा क्योंकि वो क्या कर गया था जैसे तुम मुझे देख रहे हो जाने जाते हुए वैसे ही मैं आऊंगा और मैं सबको अपने साथ हवा में उड़ा ले जाऊंगा सबर करना है? करते रहो 70 साल तो हो गए ना जुलम बर्दाश्त करते हैं कि नहीं 99 साल उन्हें भी बर्दाश्त की थी ही। मैंने खादे हाजरा ना भी शादी की थी और भी ते बेटा भी आया फिर भी लड़ाइयां झगड़े हुए लेकिन वादे के फरजंद के लिए ठहरा रहा हम भी उस वादे के लिए ठहरे रहेंगे जो असली वतन आसमान पर है। आपका असली वतन कहां पर है आसमान पर क्योंकि वो कहता है यहां पर भी आप जिंदा हो वहां पर भी आप जिंदा ही रहेंगे और हमें कितना इंतजार करना है नहीं यार कल मैं परसों बदला ला ये नहीं दुआ कर बरकत के लिए दुआ कर रास्तबाज की दुआ से क्या होते हैं थक गए क्योंकि दुआ करने नहीं जो दुआ करते हैं ना वो फतह जल्दी से कहेंगे वाकई शहर आबाद होते हैं मुल्क आबाद होते हैं खानदान आबाद होते हैं वो बरकत पाते हैं जब थक जाओ ना वो मैं समझ जाता है क्योंकि बार बार मैं तुम्हें कोई सवाल पूछा अच्छी एक कोई सवाल चाहेगा जवाब तुम ले भी जाओ रास्तबाज की दुआ से मुल्क मिलिया सी कनान मुल्क मिलिया सी इसराइल मुल्क मिलिया एडा या मुल्क है पूरी दुनिया उससे मदद मांगती है मैं ये नहीं कहूंगा और कुछ उससे मदद मांगती है वो मदद देता है क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मदद देने के लिए आया वो वही मुल्क देगा जहां से मदद नहीं होगी वो अपने लोगों को आबाद रखने के लिए अपने लोगों को जहां पर हमारी आजादी एक ऐसी आजादी है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं भाई ने पहली याद पढ़ाई थी मैं 13वीं याद पढ़ाई गलतियों 13 बाप की 5 बाप की 13वीं याद पढ़ी थी तो क्या था ऐ भाइयो इनसे कह रहा है हमसे कह रहा है ऐ भाइयो रुक गया ही और किन्नी देर रुकया रहा वे भाइया के चेहरिया वेंदा ही किनू गुस्सा आया किनू प्यार आ रहा है किनू नफरत आ रही है ऐ गल सुनने तो पहले और रुकया रहा भाइया के चेहरे वेंदा रहा क्योंकि फ्लो क्यों करता ही तो क्या कहता था है भाइयो तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो हम बुलाए तो गए हैं यीशु जी तू कल्या वैसे गिले छुपे करने हैं हानू तू किथे कर देता है जंगल दे विच हानू इना एनी सैलरी दे करना सी आ असि इत्थे ही मर जाइए असि इना वास्ते पैदा होए हैं इना दी खिदमत करिए हम ये हमारे अंदर आता है लेकिन बर्दाश्त जो करेगा आखिर तक उस दिन एक बात हो रही थी भाई ने भी सही जवाब दिया था भाई इश्तियाक ने भी दोनों एल्डरों ने सही जवाब दिया था जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे क्या करूंगा जिंदगी का दार तो आप थोड़ा अपनी अपनी स्टेटमेंट दें कि कहा था आपने जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे आपने आपने कहा था कि वो जान देनी है तो मैं भी भूल जा रहा थोड़ा जहा शायद अगे पीछे हो सकते मेरे लफ्ज़
तो भाई ने कहा ये है यीशु मसीह से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग जो जान देने तक वफादार रहते हैं। तो भाई इश्तियाक ने भी सही बात कही थी, हाँ जी फिर पर मरते ही रहना चाहिए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें खुदा के साथ। लेकिन असी कहने भाई आखिरी वक्त किन्ने वेख्या है, हम लोग हमारी सोच किन्ने वेख्या, केड़ा ताज ते केड़ी आखरत, केड़ा यसू ते केड़ा वादा, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये सोच एक ही डाल, कौन है वो? अबलीस। अबलीस उसका नाम बहुत से तरीकों से लिखा गया है, अबलीस भी कहा है, लूसीफर भी कहा है और रूहानी फरिश्ता भी उसको कहा है। वो बहुत से रूपों में आता है आपको सताने के लिए, बहकाने के लिए, लेकिन आप अपने यीशु की तरीक पर कायम जान पाए तो आप क्या करेंगे, लोगों के लिए बरकत जाए, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ घुल मिल जाए। ऐसी मुझे याद आ गया कहा था कि जान देने तक वफादार रहना जिंदगी, ये कहते हैं कि जान देनी है, मैंने कहा नहीं, मैं ये समझा हूँ कि आप जब तक जिंदा है दुनिया में आपने वफादार रहना था। यस ये है जोरदार तालियां, जब तक आप जिंदा है खुदा के साथ वफादार रहना है और वफादार जब तक रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बरकत पाएंगे। और इब्राहिम की बरकत कैसी थी, ऐसी बरकत उन्हें औलाद मिली और 400 साल गुलामी में जिए, जब आजाद किए गए तो इस्राएल पर मदद ही भेज, अब जब वो आजाद किया गया तो मदद ही भेज, वो बरकत उन्होंने 400 साल गुलामी की जिंदगी गुजारी। कलाम तो ये भी कहते हैं 430 साल की, 420 साल भी है वहां पर, 400 साल और आगे जाके नया नाम है 430 साल तक वो उसके बाद आजाद। और आज हम 99 साल बाद बरकत मिली, इब्राहिम दिहाड़े से जुलम हो रहे हैं कितने साल को, 70 साल, 80 साल, कोई मसला नहीं, हम जुलम को बर्दाश्त करने वाले लोग, हम मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम दूसरों को बहाल करने वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए जान देने वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए अपने आप को पेश करने वाले लोग हैं, और यही खुदा के लोगों की पहचान है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जिएंगे और आप जिएंगे और फिर हम एक दूसरे के लिए दुआ, हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद कहता है जो काम करो जी कौन है, मां प्यो पता की कर देने, बेटा बड़ा आवाज लगाना तो जी कहना है, वो इसलिए कहते हैं वफादारी। और हमें भी जब यीशु का काम करना है जी से करना है, वफादारी से करना है, ईमानदारी से करना है, और क्योंकि वो कहता है चाहे तुम्हें आजाद कर देगी। ये कहां पर लिखा है, कलाम मुकद्दस में, मैं अपने से नहीं कह रहा, कहां पर है, यूहन्ना की इंजील 8:32 आयत, छोटी सी आयत, स्याही से वाकिफ हो और स्याही क्या करेगी तुम्हें आजाद करेगी। तो कौन आजाद है, हम आजाद हैं, हम कह सकते हैं हमारा वतन आजाद है, हम उसमें आजादी के साथ रहते हैं, हम उसमें खुशियां मनाते हैं, वहां पर आपको मलकियत मिली है, वहां पर आपको मालो मता मिला है, वहां पर आपको जिंदगी मिली है, वहां पर आप पले हैं, वहां की आप मट्टी की इज्जत करते हैं, वहां की आप धरती से प्यार करते हैं, वहां की आप हुकूमत से प्यार करते हैं, वहां के आप जितने भी इंटेलिजेंट इदारे हैं उनसे प्यार करते हैं, बेशक हम अपने अंदर जज्बा रखते हैं, लेकिन हम उस वतन के लिए हमेशा कायम और कायम रहना चाहते हैं। हम जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं हम कहते हैं हम पाकिस्तान, हम जिंदा कौम है, हम यीशु के चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं। कहना तो ये तकरीर कर रहे ये तकरीर नहीं है, ये खुदा का चला, क्योंकि पलूस भी कहता है अगर मैं तकरीर करने में बेशौर हूं लेकिन यीशु से पर। आज हम, मैं तकरीर तो नहीं करता लेकिन हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, यीशु से प्यार करने वाले लोग हैं,
आज हम कहेंगे, क्योंकि कैद कैदी आजाद हो जाते हैं दुआओं के वसीला से, हम्मद करने से। वह ये कहां पर है, पलूस और सलास क्या कर रहे थे, कैद खाने में दुआ कर रहे थे और कैदी दरवाजे खुल गए थे और दरोगा ने कहा था कि कैदी भाग गए हैं और वहां पर निजात आ गई, वहां पर यस्सू आ गया, वहां पर रास्तबाजी आ गई, वहां पर ईमान आ गया, वहां पर खुदा का कलाम आ गया। और वो कलाम ऐसे बयान करता है कि पलूस उसको सिखाता है, पलूस को अपने घर में इज्जत के साथ ले जाता है, सलास को ले जाता है, क्योंकि उस वक्त जब उसकी जिंदगी में यस्सू नहीं था, वो देखता है कि अब रोमी हुकूमत है, ये जो कैदी भाग गए हैं अब ये मुझे क्या करेंगे, मरवा देंगे। और वो क्या करता है, अपनी ही तलवार सूबेदार निकालता है और अपनी ताई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पलूस ने कहा कि हम सब क्या है, मौजूद है, क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, दुआ करते हैं, परस्तिश करते हैं और बंदगी करते हैं उस खुदा की जो जिंदा है और रहेगा, जो था है और अब तक रहेगा, उसी के नाम को हम मुबारक कहते हैं। और पलूस और सलास को कहां पर ले गया था, वो अपने घर में लेकर क्या किया, कलाम सुना और उसने सवाल किया अब हम क्या करें, निजात पाएंगे। उन्होंने कहा यस्सू जो मसलूब हुआ, जो आया, जो मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज आप भी उस यस्सू का इंतजार करें, आप सब उस यस्सू के लिए, उसके दीदार के लिए अपने आप को तैयार करें। इसने आपके लिए वादा किया है और सच्चा वादा किया है, ये कलाम सच्चाई, इसी में वो वादा मौजूद है। एक तो जान देने तक वफादार रहना, तो दूसरा तुम्हारा मेरा तो घबराना है कि तुसी क्यों नहीं मानते इस मारे, लेकिन जिसको ना घबराने दे आप मान जाए, यस्सू ने आना है, यस्सू ने आना है और मुझे साथ ले जाना है। हम सब के लिए यस्सू ने आना है, अगर उसने हमें यहाँ पर भेजा है उसने हमें लेकर भी जाना है। आपके लिए बहुत उनके मुताबिक अपने सारे अपॉइंटमेंट पूरी करनी है और इसके लिए हम जदोजहद करना शुरू कर देते हैं। इस वीजे के लिए हम क्या करते हैं, जदोजहद शुरू कर देते हैं। आज आपका वीजा जो असली लगना है उसके लिए कौन कौन जदोजहद कर रहा है, वो सारे सब है, तो खुदा के पास जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट पूरी कर, इसके लिए आप कोई फिक्र में नहीं, कोई ऐसी टेंशन में नहीं है, उन्हें पैदा किया उन्हें रोकी दे नहीं है, क्यों कर लिया उन्हें वादा नहीं किया जा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब मैं हुआ था तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं हुआ था यीशु के हम ये बाकी हम यीशु के जैसे हैं कि नहीं, क्या नहीं है? ये कैसे हमें पता चल सकता है कि हम यीशु जैसे क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैंने तुझे अपनी शबी पर बनाया, इसलिए हम यीशु जैसे हैं, खुदा जैसे हैं, कोई हम जैसा है क्योंकि हम यीशु के पैरोकार हैं। वीजा हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, दुनियावी और रूहानी दोनों के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और इनको पूरा करने के लिए आपको यीशु के कदमों में झुकना है, खुदा के बेटे पर ईमान लाना है, उस लहू पर ईमान लाए, उस सलीब पर ईमान लाए, उन किलों पर ईमान लाए, उन कांटों के ताज पर ईमान लाए, उसकी दाढ़ी पर, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके पाक चेहरे पर थूका गया, उसके बदन पर कोड़े बरसाए गए। आपने इन बातों पर ईमान लाना है और आप हर मुल्क का वीजा हासिल कर सकते हैं। यीशु आपके साथ। आज के कलाम पर चलाम पर। आमीन।